दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 2 के कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान की मां ने शो के मेकर्स को जमकर ट्रोल किया है और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उनके इस वीडियो में वो साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनके बेटे अभिषेक मल्हान को बेवजह ही बदनाम किया जा रहा है। देखिए सलमान खान का फेमस रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 2 में आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है और हाल ही में ये खबर आई थी कि मेकर्स इस शो को आगे बढ़ाने वाले हैं और ऐसे में इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होने वाली हैं और बताया जा रहा है कि पलक पुरुषवानी, एलविश यादव और पुनीत सुपरस्टार शो में वापसी करने वाले हैं, लेकिन अब तक इस बात की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में घर में काफी बवाल हुआ था। दरअसल जैद हदीन ने जिया शंकर को बताया था कि वो उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। हालांकि मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान ने दोनों की नजदीकियों पर कमेंट किया था और इसके बाद जिया ने अभिषेक पर आरोप लगाया कि फुकरा इंसान ने उन्हें गाली दी है, जिसके बाद अभिषेक ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि उस समय उन्होंने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए उनसे माफी मांगते हैं। और इसी बीच अभिषेक की मां का मेकर्स पर गुस्सा फूटा है। देखिए फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान की मां ने एक वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स की वाट लगाई है और उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। मनीषा रानी से बातचीत के दौरान अभिषेक ने कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था और वो ऐसा लड़का नहीं है, वो लड़कियों की काफी इज्जत करता है। वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स घर में कह रहे थे कि अभिषेक दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं इसलिए वो गाली देते हैं और इस पर भी अभिषेक की मां ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभिषेक बहुत ही अच्छा लड़का है और कृपया उसे बदनाम करना बंद करो। वहीं अभिषेक के फैंस भी लगातार यही कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है, ये बिग बॉस के मेकर्स की उनको बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। बाकी दोस्तों अगर आपने भी ये वीडियो क्लिप देखी है तो आप हमें ये वीडियो क्लिप देखकर ये जरूर बताना कि क्या अभिषेक मल्हान सच्ची में निर्दोष है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपका फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में कौन है उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।